उसने बताया था ना क्या क्या बताया था इस बारे में। ऐसा नहीं करने देता ये। हाँ देखिए देखो ये सॉन्ग देखो एक बार आ रहा है ना अपना स्क्रीन देखो। अरे हम हाँ डीएसओ ऑन करिए, ऑनवर्ड डीएसओ। ठीक है आना आ रहा है सर। है, ऑन हो गया, हिल रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जो कुछ भी हो रहा है ना। एक बार आप इसको यहां पे लगाएंगे, एक बार ऑटो प्रेस कर देंगे। एक सेकंड पहले 10x 10x पे भी सेट है, मैं इसको 1x पे कर लिया, 1x पे कर लिया। एक डिफॉल्ट सेटिंग इस पे रखा, एक बार ऑटो प्रेस करिए, हो गया। यहां से मैंने हटा लिया, ये देखिए 10x कर लिया, ठीक है ना। अब मैं वेब फॉर्म आपको दिखा रहा हूं, अब आप ऑटो करिए, अब आप करिए ऑटो। आ रहा है आपको 32.7 समथिंग देख रहे किलो हर्ट्ज, है ना। एक लेग पे आपको ये बनेगा 32 किलो हर्ट्ज, और दूसरे लेग पे देखिए दोनों में फर्क नजर आ रहा है, दोनों में फर्क नजर आ रहा है। क्या फर्क नजर आ रहा है? ये हाई एम्पलीट्यूड, एक हाई एम्पलीट्यूड है, एक लो एम्पलीट्यूड है। इसको और अच्छे से देखना, एक और प्रॉब्लम क्या हो, एक और प्रॉब्लम लेकर क्या हो, है ना। वैसे तो ऐसे भी समझ सकते हो, देखो इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा ज्यादा है और इस साइड पे एम्पलीट्यूड आपका कम है। देखो सर ये 1 वोल्ट पे क्या हो गया बाय डिफॉल्ट, अब मैंने ऑटो कर दिया था, बाय डिफॉल्ट इसने लिया। आपको कुछ भी वोल्टेज वोल्टेज कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं है, आपने बाय डिफॉल्ट की सेटिंग कर दी, ऑटो कर दिया, खुद ब खुद इसने ले लिया, आपको आरटीसी दिखा दिया। तो दोनों लेग पे आपको आरटीसी का वेब फॉर्म नजर आ रहा है। याद रखना आरटीसी की जब भी टेस्टिंग करोगे तो आपको डीएसओ से ही करना है, है ना। मल्टीमीटर से वोल्टेज की टेस्टिंग करोगे, जैसे संतोष सर ने क्रिस्टल की टेस्टिंग में बताया कि दोनों लेग पे डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज हो, तो वोल्टेज को लेकर तो ठीक है ना, लेकिन वेब फॉर्म की टेस्टिंग तो वोल्टेज पे नहीं हो पाती ना। तो वेब फॉर्म देखने के लिए आप डीएसओ से देखोगे, 32 का 32 दिखाना चाहिए, 32 की जगह अगर 30 भी दिखा दिया फॉल्टी माना जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी दोनों पिन पे सेम ही दिखाएगी ना। मैं दिखा रहा हूँ ना, अभी मैं दूसरा भी लगाता हूँ, देखो दूसरा भी चैनल लगा दिया, दो चैनल को अगर एक साथ यूज करना है आपको, दूसरा भी लगा लिया। अब इस पे भी आप क्या करना, देखो चैनल 2 को ऑन कर लीजिए, चैनल 2 भी ऑन है, मेरा चैनल 1 भी ऑन है, करेक्ट। अब आप क्या करो ना, दोनों को ऊपर नीचे कर लो, कैसे करोगे देखो। इससे अभी मैं किससे नीचे कर रहा हूँ, चैनल 2 नीचे हो रहा है। आप कह रहे हो कि नहीं चैनल 2 तो मैंने नीचे कर दिया और चैनल 1 को थोड़ा और ऊपर करूं, तो फिर से एक बार चैनल 1 को प्रेस करोगे और ये देखो चैनल 1 का लाइन ऊपर जाने लग गया, करेक्ट। तो आप चैनल 2 को भी एक बार पहले सेट कर लो, चैनल 1 तो मेरा सेट ही है, चैनल 2 को भी सेट कर लो। ये देखो इस पे लगाया, ऑटो करिए, ठीक है ना। चैनल 2 मेरा सेट हो गया है, चैनल 2 भी मेरा सेट हो गया, और चैनल 1 को भी मैं कर लेता हूँ, एक सेकंड। ये थोड़ा सा चैनल 2 का टाइमिंग कम आने दीजिए, चैनल 1, चैनल 1 मेरे पास है, ये रहा। तो बाय डिफॉल्ट अभी हाइलाइटेड क्या है उस चीज को देख लेता हूँ मैं, ये चैनल 1 और चैनल 2, ये चैनल 1 रहा, ये आपका चैनल 2। रन दीजिए, चैनल 1 आपका ठीक है, चैनल 1 ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा वो कम है, मैं इसका वो कर लेता हूँ। तो आप देखिए जो भी सेलेक्ट करोगे ना यहाँ दिखेगा, अभी मैं जो कुछ करूंगा किस पे होगा, चैनल 1 पे होगा। अगर मान लीजिए मैं चैनल 2 को सेट करता हूँ, तो चैनल 2 के लिए फिर मेरे को एक बार ये बटन प्रेस करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपको चैनल 1 दिखा रहा है, चैनल 2 दिखा रहा है, चैनल 2 में 2 वोल्ट है, चैनल 1 में आपको 200 है। तो इसको भी आप चैनल 1 को भी आप सेम वोल्टेज पे ले आओ, आ गया लाइनिंग आपको सही दिख गई, 2 वोल्ट 2 वोल्ट सेट है ना यहाँ पर, ठीक है ना। अभी मैं क्या करूंगा, वोल्टेज कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं, है ना। मैंने इसको दोनों चैनल को लिया अपने हाथ में और दोनों पे मैंने
10x पर डाल दिया है और आप देखिएगा करिए तो ऑटो। चलिए बन गया फ्रीक्वेंसी, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। एक का ज्यादा एम्पलीट्यूड है, एक का कम एम्पलीट्यूड है। बात समझ में, मैंने चूंकि दोनों का वोल्टेज सेम पे रखा था है ना, तो देखो ऊपर वाला, हाँ इसका ज्यादा एम्पलीट्यूड है, इसका नीचे वाले का कम एम्पलीट्यूड है, तो एट ए टाइम आप दोनों यूज कर सकते हो, एट ए टाइम आप दोनों यूज कर सकते हो। और आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, दोनों को मिला के 32 किलोहर्ट्ज दिख रही है ना, तो कुल मिला के मेरा ये सही क्या, आपको एक साथ नहीं देखना, अलग अलग भी देख लो। देखो ये चैनल 2 है आपका है ना, और चैनल 1 के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये चैनल 1 है आपका, ठीक है ना, ये आपका चैनल 1 है। तो इस तरह आप चैनल 1 चैनल 2 करके भी देख सकते हो बाद में, कि इन प्रैक्टिकल एक साथ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, पार्टिकुलर एक ही चैनल यूज करते हैं उतने में ही हमारा काम हो जाता है। तो एक चैनल यूज करना है तो सिंपल ट्रिक हो गया, अभी चैनल 1 मेरा है, चैनल 2 को मेरे को यूज ही नहीं करना, इसको ऑफ कर दें, ऑफ हो गया चैनल 2। फिर से मैंने इसको इस पे लिया, ऑटो करिए, ऑटो सेटिंग बार बार करनी पड़ेगी। अरे करो ना आप, एक बार करो ऑटो, आ गया। अब आपने इसको 10x पे किया, देख लो मैं आपको तरीका समझा रहा हूं, फर्स्ट टाइम जब आप यूज कर रहे हो, अब ऑटो करना पड़ेगा। अब आपको मैंने प्रॉप को रख दिया, ऑटो करिए, 10x पे करना पड़ेगा। हाँ 10x पे करके ये देखो 32, ये एक साइड और दूसरी साइड आपका ये रहा। तो आप इस साइड देखो एम्पलीट्यूड ज्यादा है और इस साइड देखोगे तो एम्पलीट्यूड आपका कम है। आप बोलोगे सर लिखा हुआ दिखाओ एम्पलीट्यूड कम है, ये भी सवाल पूछ सकते हो ना आप मेरे से कि लिखा हुआ दिखाओ, तो लिखा हुआ कैसे देखोगे, जाइए आप मीजर में, मीजर में जाइए, हाँ यहाँ पर आप F3 प्रेस करिए, F3 जरा चेक करिए इसका एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, नोट करके रख लीजिए एम्पलीट्यूड, देख लिया, देख लिया। चले आप मेनू ऑप्शन को प्रेस करिए, मेनू मेनू, हाँ ये हट जाएगा। अब मैं इस साइड आ रहा हूँ, इस साइड में आया, अब आप फिर से मीजर में जाइए, मीजर नहीं आया, मीजर में आइए F3, एम्पलीट्यूड आपको ज्यादा दिख रहा है, समझ में आ गया ना। तो RTC क्रिस्टल को चेक करने का आपका यही तरीका हो गया DSO से, बहुत आसान टेस्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई झमेला नहीं है, बिना पावर दिए भी आप चेक कर सकते हो। अभी तो मैंने DC लगा रखा, आप CMOS सेल लगा के चेक कर लो है ना, आप CMOS सेल पे भी इस चीज को चेक कर सकते हो है ना, इसके लिए आपको इसमें DC लगाने की जरूरत नहीं है, CMOS सेल लगा के भी चेक कर सकते हो। है CMOS सेल, CMOS सेल दीजिए और CMOS सेल पे भी मैं दिखाता हूँ पावर हटा के। तो इसको ये बार बार 10x पे कम क्यों, 1x पे, जब भी आप क्रिस्टल को चेक करोगे ना 10x याद रखना है ना, 1x पे आपको वेव फॉर्म सही नहीं बनेगा, 10x आपको याद। 40 में सर ये क्या एम्पलीट्यूड दिखाएगा, हां 40 में अगर होगा तो ये तो भी ओके। पहली बात देखो 32 की जगह 30 दिखा रहा है, वेब फॉर्म में कुछ डिफरेंट लग रहा है। अब आपको एक ही चीज को बार बार चेक करोगे तो मैंने बोला ही ना, गाल सूजाए कि नहीं सूजाए पता चल जाता है, तो वही वाली बात है। आप अगर रेगुलर टेस्टिंग में रहोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा ये वेब फॉर्म आपका सही है, ये वेब फॉर्म गलत आ रहा है, गलत आ रहा है तो मेरे को स्टेप्स लेना है, समझ गया ना। तो मैं फिर से दिखाता हूँ, आपकी बार मैं CMOS सेल पे दिखा रहा हूँ आपको, CMOS सेल मैंने लगा दिया है, जरा हटाइए उस मेनू को, ऑप्शन को, मेनू को हटाइए और फिर से देखिए RTC बना कि नहीं बना CMOS सेल पे, वो देखते हैं बना, सेम वही चीज है। तो इस बात का ध्यान रखना DC और CMOS सेल दोनों पे आपको सेम नजर आना चाहिए, देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड आई, तो यही होता है RTC चेक करने का तरीका, समझ गए सर। यहाँ पे बैटरी वोल्टेज अगर कम होगी तो फर्क पड़ेगा उसके ऊपर कुछ, जैसे 3 की जगह 1.5 वोल्ट, हाँ बिल्कुल होगा, RTC सेक्शन काम नहीं करेगा अगर मान लीजिए वोल्टेज कम होगा CMOS से। नहीं, मेरी बात सुनो ना यार, हर सर्किट का एक मिनिमम वोल्टेज होता है ना, अगर उस मिनिमम वोल्टेज से कम जाएगा तो सर्किट काम नहीं करेगा, वीक हो जाता सर, है ना। जो RTC सेक्शन है आपका इनसाइड PCH, वो काम नहीं करेगा आपका, ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये वोल्टेज RTC PCC
आपको पता है सीमोस सेल का आगे क्या लगा रहता है, 1 किलो ओम का रेजिस्टर, उसके आगे डायोड, डायोड का आगे आरटीसी बीसीसी जा रहा है सीधा। तो केवल आरटीसी बीसीसी नहीं ना, आरटीसी रीसेट भी है, एसआरटीसी रीसेट भी है। तो अब ऑटोमेटिक वोल्टेज कम होगा, तो बाकी जगह वोल्टेज कम हो गया, तो वोल्टेज कम नहीं होना चाहिए। सीमोस सेल पे 3.3 वोल्ट, डायोड लगाओगे 0.2 का लीकेज 3.1, ये ध्यान रखना। अब पता चला कि डायोड पे आपको मिल रहा है 2.6, मतलब गड़बड़ है। 0.5 कितना हो गया गड़बड़, 0.78 वोल्ट का दिक्कत हो गया, वो दिक्कत हो गया तो कारण बन सकता है आरटीसी सर्किट काम नहीं करने का, है ना। तो डीएसओ से आप पहला ये चीज चेक कर लोगे, दूसरा आपको मैंने क्या बोला, आप क्वाइल वोल्टेज चेक कर सकते हो। तो क्वाइल वोल्टेज चेक करने के लिए अभी मेरा ये डीएसओ कहाँ पे चला गया है, सिग्नल चेक करने के लिए चला गया है, इसको वापस वोल्टेज के रेंज पे लाना है आपको। तो वोल्टेज के रेंज पे लाना है तो कोई झमेला नहीं है, देखो 1x पे करो, ऑटो मार दो, एक बार ऑटो कर दो, हो गया बस, है ना। और अब आपको क्वाइल वोल्टेज चेक करना है, तो क्वाइल वोल्टेज चेक करने के लिए आप क्या करोगे, डीसी लगाओगे, क्योंकि जो आपकी टेस्टिंग होनी है। अब जैसे 3 वोल्ट 5 वोल्ट, 3 वोल्ट 5 वोल्ट चेक करना है आपको। अभी आपने 1 वोल्ट पे सेट कर रखा है, तो 1 वोल्ट पे 3 वोल्ट तो चेक हो जाएगा, 5 वोल्ट नहीं हो पाएगा। तो एक काम करो, 1 वोल्ट को आप बना दो 2 वोल्ट, 1 वोल्ट को कर दो 2 वोल्ट। कैसे करोगे, हाँ इससे कर दिया 2 वोल्ट, चलिए 2 वोल्ट कर दिया ना। अब आप देखिए ये क्वाइल का आउटपुट वोल्टेज क्या बन रहा है, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट पे है। तो ये मेरे को ये 3.3 वोल्ट है, ये क्या आपका 3.3 वोल्ट है ना। और यहाँ पर देखो ये है आपका 5 वोल्ट, ये आपका 5 वोल्ट, ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है ना, है ना, इस वजह से ऐसा लग रहा है। ये आपका 3 वोल्ट आउटपुट साइड करेक्ट, और इनपुट साइड आपका ये इनपुट साइड, समझ गए ना, यहाँ पर इनपुट साइड ये, इनपुट साइड ये, अभी आपका बोर्ड ऑन नहीं हुआ है ना। फ्रीक्वेंसी यहाँ दिख रही है, नहीं दिख रही आपको, लेकिन वो लाइनिंग दिख रहा है, देखो लाइनिंग आ जा रहा है ना। आप यहाँ पर भी ऑटो कर लीजिए, यहाँ पर भी ऑटो करिए इनपुट में, देखो मैंने ऑटो किया, देखो ये आने लग गया। अच्छा, मैंने जो आपको टॉन्सिल पढ़ाया था याद होगा, टॉन्सिल की सेटिंग्स क्या दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी 27 हर्ट्ज समथिंग दिखा रहा ना। तो मतलब अभी ये इस स्पीड से काम कर रहा है, जब मैं ऑन करूंगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जब मैं बोर्ड को ऑन करूंगा इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है क्वाइल का इनपुट, और इस साइड आ गए तो हमारा क्वाइल का आउटपुट। तो आप बस ये भी चेक करोगे कि जो इनपुट पे दिख रहा है ना वैसा आउटपुट पे ना दिखे, है ना। आप बोलोगे इनपुट पे वोल्टेज कहाँ तक आ रहा है, तो मैं अगर देखूं तो अभी 10 वोल्ट की सेटिंग है ना, करीब करीब 20 वोल्ट पार कर रहा है, देखो गौर से 20 वोल्ट क्रॉस कर रहा है, आ रहा समझ में, हाँ क्योंकि फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करोगे ना आप, तो फ्रीक्वेंसी का जो एम्पलीट्यूड देखोगे 20 वोल्ट की लाइन को क्रॉस कर रहा है ना। तो मेरा मतलब यहाँ पर हो रहा है, स्विचिंग आ रहा है आपका। तो वो डायोड पे देखें, बीएस, और मल्टीमीटर क्या दिखाता है, मल्टीमीटर वो लाइनिंग दिखाएगा केवल, वो लाइनिंग को एज ए वोल्टेज आपको शो करेगा। तो बीएसटी पिन पे भी देखें, है ना। अब बीएसटी पिन पे तो फिर मेरे को उसके डिटेल पे जाना पड़ेगा, है ना। मैंने आपको तरीका बताया, है ना। तो क्वाइल आप जो डीएसओ से चेक करोगे, पहली टेस्टिंग आरटीसी, दूसरी टेस्टिंग आ गई स्टेप डाउन का क्वाइल, ये बेसिक टेस्टिंग है, ये आपकी बेसिक टेस्टिंग है। एक और टेस्टिंग होती है एडवांस टेस्टिंग, है ना, वो हम लोग कल देखेंगे, समझ गए ना। और बाकी चीज और क्या क्या चेक करते हैं वो हम कल देखेंगे। अभी आज आपका काम क्या है, डीएसओ का जो भी सेटिंग बताया उसको आप दोबारा से देखिए, समझिए, सेटिंग बिगाड़ देना, है ना, सेटिंग बिगाड़ के आपको दे देंगे, आप फिर से इसको सेट करोगे। सेट करने के बाद आप आरटीसी क्रिस्टल चेक कर लो, है ना, आप क्वाइल का इनपुट और आउटपुट चेक कर लो, जो मैंने जितना बताया उतना आप प्रैक्टिस में कर लो, और फिर कल हम इसमें और ज्यादा एक स्टेप आगे जा करके, है ना, वो करेंगे। सरदार जी ने पूछा वो ट्रिगर वाला, तो ट्रिगर वाला हम कल दिखाएंगे आपको, है ना। पहले इतना कर लोगे तो फिर आगे समझना आसान हो जाएगा।
तो फाइनल में कुछ नहीं।